मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द थर्ड साइंस क्लास। टुडे वी विल सोल्व एंड अंडरस्टैंड एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर 3, दैट इज एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3, जिसका नाम है एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स, इसकी एक्सरसाइज पार्ट को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपको ये अच्छे से समझना है। तो एक्सरसाइज जो है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, एन एनिमल दैट डज नॉट ईट प्लांट। एक जानवर जो कि, दैट का मतलब जो कि, डज नॉट ईट मतलब नहीं खाता प्लांट्स, पौधों को नहीं खाता है। तो देखिए, इसमें एलिफेंट है वो भी पौधों को खाता है, काव है वो भी पौधों को खाती है, और गोट है वो भी पौधों को खाती है। लेकिन डॉग जो है वो केवल पौधों को न खा करके, या आप कह सकते हो कि वो, हमने कभी भी पौधे खाते हुए नहीं देखा, कोई घास या पत्तियां खाते हुए नहीं देखा। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाता है और मांस को भी खाता है, तो इसलिए पौधे खाने वाले जानवरों में इसको हम नहीं गिन सकते। नेक्स्ट, ए फॉक्स इज ए, फॉक्स जो है वो किस कैटेगरी में आएगी वो पूछा गया है। तो हमारे पास तीन कैटेगरी हैं, फ्लैश ईटर, प्लांट ईटर, और प्लांट एंड फ्लैश ईटर, या इसको हमने थोड़ा चेंज करके दे दिया यहाँ पर, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब यही है कि जो प्लांट ईटर भी हो और जो फ्लैश ईटर भी हो। तो प्लांट ईटर तो आप पता ही है आपको, पौधे खाने वाले, और फ्लैश का मतलब होता है मांस या मीट, तो मीट खाने वाला फ्लैश ईटर कहलाएगा, मांस या मीट खाने वाला, और प्लांट ईटर पौधे खाने वाला। तो ये जो दोनों ही आएंगे, अगर दोनों हैं, अगर प्लांट्स को भी खाती है और मांस या जानवरों को भी खाती है, तो हम इसमें सी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है जो फॉक्स है वो दोनों चीज़ें खाती है, मांस भी खाती है और पौधों से मिलने वाली चीज़ों को भी खाती है, तो इसलिए हम सी पर टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बी ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ। तो ये जो इंसेक्ट्स हम बात कर रहे हैं, जो कीड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर, तितली और मधुमक्खी, इन सभी में आपको पता है जो खाना है वो क्या होता है, क्या खाते हैं वो, मॉस्किटो में तो आपको पता ही है ये खून चूसते हैं, और बटरफ्लाई में और हनीबी में तो आपको पता है ये फूलों का रस पीते हैं। तो तीनों ही केस में पीने का काम है, तो पीने के लिए इनके पास क्या है, ये कह रहा है कि शार्प कटिंग टीथ, पीने के लिए दांतों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शार्प फ्रंट कटिंग टीथ तो गलत हो गया। सेकंड, लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, लंबे नुकीले दांत, दांतों का तो मतलब काम ही नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ पर भी टीथ दे रखा है वो तो रॉन्ग आंसर हो गया। अब बचे स्टिकी टंग, चिपचिपी जीभ, और लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब, लंबी नुकीली चूसने वाली नली। तो सकिंग ट्यूब ही इसमें आएगी, क्योंकि ट्यूब से ही वो सब अपने लिक्विड जो फूड होता है उसको चूस सकते हैं, उसको ले सकते हैं वो। बाकी स्टिकी टंग जो है वो लिजार्ड और फ्रॉग में होती है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल दैट डज नॉट च्यू द कड। चीव द कड आपको पता ही है, खाने को एक बार चबा लेना या निगल लेना, हल्का सा चबा लेना या थोड़ा सा चबा लेना और उसको निगल लेना, या सीधा निगल लेना और फिर उसको धीरे धीरे चबाना, इसको बोलते हैं चीविंग द कड। या यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जानवर है, द एनिमल, वो जानवर आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से, दैट डज नॉट च्यू, जो चबाता नहीं है, कड, उस कड को चबाता नहीं है। कड हम उस फूड को कह रहे हैं जो वो वापस निकालता है मुंह में,
गाय भैंस को आपने देखा होगा कि वो मुंह में वापस खाना लेके आती है, तो इसी वो इस खाने को हम कड़ बोलते हैं, और इसको चबाने को जो हिंदी में हम कहते हैं जुगाली करना, तो ये चीविंग द कड़ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कौन जुगाली करता है या कौन अपने खाने को दोबारा मुंह में लेके आता है और फिर चबाता है। तो इसमें काऊ है, बफेलो है, गोट है, ये सब तो करते हैं, लेकिन आपको पता रैबिट जो है वो नहीं करता है, क्योंकि वो तो कुतरता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द पैट अमंग पैट एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज, पैट एनिमल आपको बताना है, अमंग द फॉलोइंग मतलब अमंग का मतलब था के बीच या में से कह सकते हो आप, नीचे दिए हुए में से, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए हुए, तो नीचे दिए हुए जो एनिमल्स हैं उनमें पैट एनिमल्स कौन सा है। तो एक पैट एनिमल है कौन है, पैट का मतलब आपको पता है, ये पैट जो होते हैं वो हमारे घरेलू या पालतू जानवर होते हैं जिसको हम घर में रखते हैं। तो देखो जिराफ को रखते हैं क्या, नहीं, जेबरा को इसको भी नहीं, और वुल्फ ये तो खतरनाक है, तो केवल हम कैमल को कह सकते हैं। कैमल आपने देखा होगा घर पे रखते हैं हम, इसके लिए रखते हैं ऊंट गाड़ी में जोड़ने के लिए और बोझा वगैरह ढोने के लिए। नेक्स्ट, एक ग्रेविंग एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज, एक ग्रेविंग एनिमल कौन सा है, कुतरने वाला, ग्रेविंग का होता है कुतरने वाला, तो कौन सा जानवर कुतरता है, देखो घोड़ा नहीं, ये तो घास खाता है, कैट ये मांस खाती है, डॉग ये घास पौधे से मिलने वाली चीज़ें और घास दोनों खा जानवरों को भी खाता है, ये मांस भी खाता है, लेकिन स्क्विरल जो है वो खाने का तरीका क्या है, देखो ये कुतर कर खाती है, जैसे रैबिट खाता है, ठीक है, या रैट खाता है, रैबिट, रैट, स्नेक, सॉरी स्क्विरल, ये तीनों जो एनिमल्स हैं वो कुतर कर खाते हैं, तो ग्रेविंग एनिमल्स इसमें आ जाएगा स्क्विरल। नेक्स्ट, ए वेटनरी डॉक्टर, ए वेटनरी डॉक्टर जो होता है वो क्या कहते हैं, कौन सा डॉक्टर होता है, किसका डॉक्टर होता है, वो जानवरों का डॉक्टर होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि क्या वो किसको ट्रीट करता है, तो काऊ को ट्रीट करता है, डॉग को ट्रीट करता है, या मंकी को ट्रीट करता है, तो जानवरों का जो डॉक्टर है वो तो सभी जानवरों का डॉक्टर हो गया, वो तो सभी को ट्रीट करेगा, तो ये ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाएगा, क्योंकि सभी को ट्रीट करता है वो। ठीक है, अब आते हैं ओड वन आउट में, तो इसमें आपको आउट क्या हुआ ये तो याद रखना ही है, साथ साथ में क्यों हुआ ये भी याद रखना है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। तो पहला, काऊ, जेब्रा, लायन, जिराफ, अब देखिए काऊ क्या खाती है, घास, जेब्रा क्या खाता है, घास, और जिराफ क्या खाता है, ये भी घास खाता है, लेकिन लायन क्या खाता है, घास खाता है, तो ये आउट हो गया, ये नहीं खाता है, ये तो मांस खाता है, तो ये इसके रीजन हो गया। इसमें हम प्लांट ईटर और फ्लैश ईटर का दे सकते हैं, सभी के सभी जो हैं वो प्लांट ईटर हैं, जबकि लायन क्या है, फ्लैश ईटर है। नेक्स्ट, जैकल, फ्रॉग, वल्चर, बियर, अब इसमें देखिए जैकल क्या खाता है, मांस, फ्रॉग क्या खाता है, इंसेक्ट्स, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं मांस ही खाता है, जानवरों को खाता है, और वल्चर ये भी मांस को खाता है, लेकिन इन तीनों में ये समानता है कि तीनों केवल मांस को ही खाते हैं, पौधों से मिलने वाली चीज़ों को नहीं खाते, लेकिन बियर जो है वो दोनों को खाता है, ये एप्पल फ्रूट्स जो हैं वो भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम टिक कर सर्कल करेंगे बियर को। तो इसमें हम बियर पर सर्कल करेंगे। और नेक्स्ट, रैबिट, स्नेक, स्क्विरल, रैट, अभी हमने पढ़ा था एमसीक्यू में, रैबिट, स्क्विरल, रैट, ये सब आपको पता है कुतरने वाले जानवर हैं, ग्रेविंग एनिमल्स हैं, जो कि स्नेक जो है वो इसके तो दांत नहीं होते हैं, तो ये सब आता नहीं है, तो ये तो निगलता है, तो ये स्वेलोइंग मेथड से खाना खाता है, जबकि ये ग्रेविंग के द्वारा या कुतर कर खाना खाते हैं, तो इसमें स्नेक का सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है गॉट, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बी, अब देखो अभी अभी हमने इसका भी
जिक्र किया था, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और हनी बी जो है, तीनों के तीनों ही क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड फूड के रूप में लेते हैं और उसको चूसते हैं। सकिंग मेथड है इसके अंदर। तो सकिंग के अंदर क्या चाहिए, एक ट्यूब चाहिए जिससे वो पी सकें। सभी के अंदर होलो ट्यूब होती है, मतलब आप कह सकते हो ये तो सकिंग मेथड से फूड लेते हैं, जबकि ये जो है खाने को चबा कर खाती है। और ये लास्ट है हमारा, काओ, वुल्फ, हॉर्स, डॉग। तो ये लास्ट जो टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके ऊपर बेस्ड है ये, क्योंकि फीडिंग हैबिट में देखा जाए तो काऊ जो है वो घास खाती है, वुल्फ मांस खाता है और हॉर्स घास खाता है। लेकिन सॉरी, डॉग जो है वो क्या खाता है, वो तो दोनों ही खाता है। तो कोई एक खा रहा है, कोई दो खा रहा है, कोई अलग खा रहा है, तो इसमें खाने की आदतों पर तो नहीं हो सकता है। तो इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स, उस पर बेस्ड है ये, कि इनमें आप देखना है कि डोमेस्टिक कौन सा है और डोमेस्टिक कौन सा नहीं है। तो देखिए, काऊ इसको भी हम पालतू बना सकते हैं, हॉर्स को भी, डॉग को भी, लेकिन वुल्फ को हम पालतू नहीं बना सकते। तो ये वुल्फ इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, इसमें आपसे देखना है कि कौन सा सही आंसर है। इसमें एनिमल्स नीड फूड टू, जानवरों को नीड फूड, भोजन की आवश्यकता होती है, टू किस काम के लिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बारी बारी से भर के देख लीजिए, बाकी यानी कि मीनिंग आपको इनको पता होना चाहिए। मॉस्किटो मतलब मच्छर, अर्थवा मतलब केंचुआ, लाइव का मतलब जिंदा, फ्लैश ईटिंग मतलब मांस खाने वाले, स्वेलिंग का मतलब निगलना। तो ये मीनिंग आपको एक बार मैंने आप बता ही दिए, अब आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको, एनिमल्स नीड फूड टू, जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, किस लिए, तो जिंदा रहने के लिए, लिव। लायन इज ए ब्लैंक एनिमल, कैसा जानवर है, तो मांस खाने वाला जानवर है, तो फ्लैश ईटिंग, मांस खाने वाला। स्नेक, सांप कैसा है, क्या करता है, देयर फूड, अपने भोजन को क्या करता है स्नेक, तो स्नेक जो है उसके दांत नहीं होते, तो वो अपने खाने को पूरा पूरा निगल जाता है, तो स्वेलो। उसके बाद है द ब्लैंक शक द फू ब्लड, शक द ब्लड, इतना सुनते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, शक द ब्लड खून चूसता है। कौन खून चूसता है, तो मॉस्किटो ही चूसता है। वैसे चूसने को तो एक जानवर आपको पता भी है, लीच, या जिसको हिंदी में कहते हैं जोंक, वो भी खून चूसती है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास मॉस्किटो है, तो हम मॉस्किटो भरेंगे। अगर यहाँ पर जोंक होता या लीच होता तो वो हम वो भरते, ठीक है। और लास्ट हमारा, एंड ब्लैंक ईट्स मड, कीचड़ खाता है, मिट्टी खाता है, ये कौन सा जानवर है जो मिट्टी खाता है, तो ये अर्थवर्म है। एक लाल सा रंग का कीड़ा आपने देखा होगा ज़मीन में, वो अक्सर ज़मीन में इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर वो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स के जो बचे हुए हिस्से हैं उनको वो खाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप जिसको अच्छे से समझते हो कि हाँ ये मुझे पता है, जैसे यहाँ पर है ग्नेविंग एनिमल, ग्नेविंग एनिमल आपको पता है कुतरने वाले जानवर, तो यहाँ पर देख लो आप, एलिफेंट है कुतरने वाला, नहीं, स्क्विरल, यस स्क्विरल है। आगे देख सकते हैं जिराफ, वैसे मिल गया तो राइट आंसर हो ही गया, आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये हमने स्क्विरल से मैच कर दिया। उसके बाद सकिंग ट्यूब, चूसने वाली ट्यूब किसके पास है, तो सकिंग ट्यूब किसके पास होती है, ये होती है, देखो जिराफ के पास तो लंबी गर्दन है और दांत भी हैं उसके पास, तो अर्थवर्म है उसके पास दांत नहीं है, लेकिन मॉस्किटो के पास क्या है, दांत तो नहीं है लेकिन क्या है, लंबी ट्यूब होती है खून चूसने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सकिंग ट्यूब, तो ये इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक एक तो बोलते हैं पेड़ के तने को, लेकिन यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, सारे जानवर हैं, तो ट्रंक का दूसरा मीनिंग लेंगे हम सूंड। तो सूंड किस में होती है, सभी को पता है हाथी में होती है, तो इससे हम एलिफेंट से मैच कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन, अभी मैंने बताया था लंबी गर्दन किस में होती है, जिराफ में होती है।
और होल लाइक माउथ, अब देखो एक ही रह गया और हमें नहीं पता अभी होल लाइक माउथ किसका है, तो हम डायरेक्टली इसको अर्थवर्म से मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको आपको लर्न भी करना है। देखो इसमें अर्थवर्म जो है वो स्नेक की तरह ही है, उसमें भी दांत नहीं है, इसमें भी दांत नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा जीव है तो छोटे जीवों को वो निगल सकता है। सांप की बात कर हम सांप की बात कर रहे हैं हम, तो सांप जो है वो तो बड़े बड़ा जीव है, वो छोटे जीवों को निगल सकता है, चूहा और इस तरह के छोटे जानवर जो हैं उनको निगल सकता है, मेंढक है। लेकिन अर्थवर्म जो है वो तो खुद ही छोटा, बहुत छोटा जीव है, तो वो क्या करेगा, वो तो अपने से छोटे जो चीज़ें हैं उनको ही खाएगा। तो इस रूप में मिट्टी को खाता है जिसमें न्यू जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो उनको खाता है वो, ठीक है। तो इसलिए उसका होल लाइक माउथ है, वो उसमें से अपने भोजन को ले लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, आपने क्विक असाइनमेंट में देखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें सही से किया है या नहीं किया है, अपना चेक भी करते रहेंगे साथ साथ बाकी सभी क्वेश्चंस का भी। इसमें थोड़ी सी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही किया है, क्योंकि टिक किस पे करना है और क्रॉस किस पे करना है। अब देखिए कौन से टिक करना है, कौन से क्रॉस करना है, समझिए। बियर और काओ, भालू या गाय, ईट बोथ प्लांट्स, वो दोनों खाता है, प्लांट्स को भी और फ्लैश को भी, मांस को भी। तो मांस की बात आ गई यहाँ पर, फ्लैश की बात आ गई, तो काऊ तो पहले ही हमने कट कर दिया, बचा क्या, बियर। बियर पे हमने टिक कर दिया क्योंकि बियर ही है जो प्लांट्स को भी और फ्लैश को भी, दोनों को खाता है। नेक्स्ट, स्नेक और लीच सक ब्लड, अभी हम बात कर रहे थे पीछे, लीच जिसको हिंदी में कहते हैं जोंक, ये भी खून चूसती है, और जो मॉस्किटो है वो भी खून चूसता है। तो इसमें सक ब्लड आगे लिखा हुआ है, खून चूसता है, तो कौन खून चूसता है, तो स्नेक का तो नहीं हो सकता, तो लीच ही इसमें आंसर होगा। तो लीच पर आप टीका लगा देंगे और स्नेक पर क्रॉस लगा देंगे। ये क्रॉस लगाया हुआ नहीं है, आप लगा लेंगे इस पर, अगर नहीं लगाया हुआ है तो पीछे कोई गलती रह गई हो तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैबिट और फिश मेक बरोज, बरोज में होता है बिल, जमीन के अंदर घर, तो जमीन के अंदर घर कौन बनाता है, फिश तो जमीन में रहती ही नहीं है, तो इस पे तो काटा लग गया, कितना ही आसान था, और रैबिट ही बचा तो इस पे टिक लग जाएगा। नेक्स्ट, काऊ या कैट च्यू द कड, अपने खाने को चबाती है, तो कौन चबाती है, तो कैट तो आपको पता ही है, वो तो मांस खाती है और एक बार में उसको खा जाती है, लेकिन काऊ जो है वो क्या करती है, पहले खाने को निगल जाती है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर मुंह के अंदर लेके आती है। तो ये चीव द कड हम कह सकते हैं काऊ के लिए, तो काऊ के ऊपर टिक लगा देंगे और कैट के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। और ये इसका लास्ट हमारा, वल्चर इज ए फ्लैश ईटिंग इंसेक्ट और बर्ड, वल्चर क्या है, वल्चर हम गिद्ध को बोलते हैं और गिद्ध एक पक्षी है, एक बर्ड है, तो यहाँ पर इंसेक्ट पर लग जाएगा क्रॉस और बर्ड पर लग जाएगा टिक। यही पूछा था कि जो वल्चर है वो मांस खाने वाला क्या है, जानवर मतलब पक्षी है या कोई कीड़ा है, तो कीड़ा तो नहीं है ये, एक तो ये पक्षी है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है कि जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे हर एक पिक्चर के साथ, यहाँ पर ये दे रखे, ये दे रखे, इनमें आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है पी एफ पी एच, ये किस किस के लिए है, देखो पी किसके लिए है, आगे दिया हुआ है प्लांट ईटर के लिए, एफ किसके लिए है, फ्लैश ईटर के लिए, और पी एफ किसके लिए है, प्लांट एंड फ्लैश ईटर के लिए। तो जहाँ आपको लगता है कि ये दोनों ही खाता है, प्लांट और फ्लैश ईटर दोनों में, प्लांट और फ्लैश दोनों खाता है, तो ये प्लांट एंड फ्लैश ईटर पी एफ लिख दोगे आप। ऐसे ही अगर केवल प्लांट खाता है तो पी लिख दोगे, और फ्लैश खाता है तो एफ लिख दोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला पिक्चर जो है वो है लाइन, सॉरी टाइगर का, तो टाइगर आपको पता है क्या खाता है, फ्लैश खाता है, तो हमने लिख दिया एफ। उसके बाद काऊ प्लांट्स को खाती है, पौधे खाती है, तो इसमें हमने लिख दिया पी। क्रो, ये आपको पता है जो रोटी डालते हैं वो भी खा जाता है, और चूहे छोटे मोटे जो कीड़े हैं सांप हैं इनको खा जाता है, तो ये पी एफ में आएगा।
दोनों खाता है। उसके बाद एलिफेंट की बात करें तो ये दिख ही रहा है आपको, पौधा खाता हुआ, तो प्लांट तो खा ही रहा है। बाकी आपने कभी मांस खाते देखा है इसको? तो नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे पी। उसके बाद वल्चर है ये, देखो ये वल्चर है, आप पिक्चर को भी ध्यान रखो, वल्चर ऐसा होता है। तो वल्चर क्या खाता है, देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है मांस पड़ा हुआ है, तो ये फ्लैश ईटर, तो फ्लैश पी एफ लिख देंगे हम, एफ लिख दिया। और लास्ट में है बियर, अब बियर को देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये शहद खा रहा है। तो शहद किससे मिलता है, जानवरों से। एक मक्खी जानवर होती है, एक जीव होती है, कोई पौधा तो नहीं होती है ना, तो एक जीव से हमें शहद मिलता है, उस शहद को ये बियर खाता है। तो ये तो एनिमल्स का हो गया। इसके अलावा ये एप्पल, ग्रेप्स, फ्रूट्स और कई तरह के फलों को भी खाता है ये, ठीक है। तो इसमें ये पीएफ में आएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट, इसमें आपको वर्ड सर्च करना है, एनिमल वर्ड। पिक्चर पिक्चर यहाँ पर देखो, एनिमल्स की पिक्चर जो है वो यहाँ पर दी हुई है, आपको एनिमल सर्च करना है। यहाँ पर पहले हम काऊ को देखते हैं, काऊ कहाँ पर है, तो काऊ यहाँ पर रेड बॉक्स में है, यहाँ पर ये रही, ठीक है। आपने अगर बॉक्स नहीं बनाया हुआ है तो आप बना लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ पर है, तो फ्रॉग जो है वो ये ऑरेंज बॉक्स में है, यहाँ पर नीचे। ऐसे स्क्विरल, स्क्विरल है यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में। स्नेक, स्नेक है आपका, ढूंढिए कहाँ पर है ये, लास्ट में यहाँ पर पिंक बॉक्स में। और बियर, बियर कहाँ पर है, ढूंढो इसको, मिला आपको, देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी देखते हैं, ये रहा आपका बियर ब्लू बॉक्स में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई ये रहा पर्पल बॉक्स में। उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट कौन से में है, येलो बॉक्स में, ये रहा। और ऐसे लास्ट है ये फॉक्स, फॉक्स ये पहले से ही दिया हुआ था समझाने के लिए, और कहाँ पर है ये बताने जरूरत तो नहीं है, ये रहा पिंक कलर का, इसमें बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, जिनको आपने समझ लिया। अब अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से फिर देखें और समझें, ओके। तो इसमें अभी हमारा क्वेश्चन आंसर जो पार्ट है वो रह गया है, हालांकि आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, तो क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बजाय आप साथ ये भी याद रखें कि भी जो टेस्ट आपका आएगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, काफ़ी ऑप्शन होंगे उसमें, 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इस चैप्टर में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका आप पक्का सही जवाब देंगे, ओके। तो इसी के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम, ओके ओके, बाय बच्चों।